सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ऐसी कई अजीबोगरीब घटनाएं हमने इस दिसंबर 2022 के महीने में इंडियन रेलवे में देखी है, जो कि आज से पहले शायद ही कभी इंडियन रेलवे के इतिहास में घटी हो। जैसे कि पहली घटना की अगर मैं आपसे बात करूं, तो एक आदमी जो है ट्रेन की खिड़की पर बैठा हुआ था और ट्रेन अपनी फुल स्पीड में चल रही थी और एक लोहे की रॉड बाहर से आती है खिड़की के अंदर और वो उस आदमी के सिर के आर पार घुस जाती है। तो ये एक बड़ी ही अजीबोगरीब घटना थी जिसके बारे में शायद किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा, लेकिन ऐसी घटना घटी है जो कि सच में बहुत ही ज़्यादा अजीब है। दूसरी घटना की अगर मैं आपसे बात करूँ, तो वो है स्टेशन पर खड़े प्लेटफॉर्म पर खड़े दो टीटी आपस में बात कर रहे थे और ऊपर से एक कौवा गुजरता है, मतलब कि क्रो गुजरता है, और उस कौवे के पैर में कुछ मेटल की तार वगैरह फंसी थी जो कि ओएचई वाले के कॉन्टैक्ट में आके जो है नीचे गिर जाती है और वो डायरेक्ट उस टीटी के सर के ऊपर जाके गिर जाती है। तो ये भी एक बड़ा अजीब सा इंसिडेंट हुआ था, हालांकि इसमें उस टीटी की जो है जान बच गई थी, उसको कोई मतलब जान का नुकसान नहीं हुआ था उसमें, लेकिन फिर भी ये दो अजीबोगरीब घटनाएं जो कि दिसंबर के महीने में हमें देखने को मिली है। और तीसरी जो घटना है वो हमें देखने को मिली है अभी रिसेंटली 22 दिसंबर 2022 को जयपुर जंक्शन के यार्ड में। तो बात है सुबह 11 बजे के अराउंड, जब एक मिलिट्री स्पेशल मालगाड़ी जिसमें आर्मी के टैंक्स, गोला बारूद और हथियार वगैरह रखे होते हैं, तो वो जो मिलिट्री स्पेशल मालगाड़ी है वो 22 गोदाम की साइड से जो है जयपुर जंक्शन की तरफ जा रही होती है, जयपुर जंक्शन के यार्ड में एंटर कर रही होती है। उसी दौरान ये जो आप सामने एक पुलिया देख रहे हैं या ये जो फ्लाईओवर देख रहे हैं जिसकी हाइट बहुत ही ज़्यादा नीचे है, तो उस फ्लाईओवर के नीचे से जब वो मालगाड़ी गुजर रही होती है, तो उसी दौरान एक बड़ा सा पक्षी जिसको चील या फिर बाज कहते हैं इंग्लिश में अगर मैं बोलूँ तो ईगल, वो उसी टाइम फ्लाईओवर के नीचे से मालगाड़ी के जस्ट ऊपर से गुजर रहा होता है। और जैसा कि आप देख सकते हैं फ्लाईओवर की हाइट इतनी नीचे है कि ओएचई वायर और ट्रेन के बीच में जो है डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा कम है। तो होता क्या है कि जैसे ही वो बाज उस मालगाड़ी के ऊपर और फ्लाईओवर के बीच में से गुजर रहा होता है, तो वो ओएचई वायर के कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं, जिस कारण से ओएचई वायर टूट के मालगाड़ी के ऊपर गिर जाती है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो मालगाड़ी थी वो आर्मी स्पेशल यानी कि मिलिट्री स्पेशल फ्रेट ट्रेन थी, तो उसमें जो है आर्मी के जवान भी जो है उपस्थित थे और आर्मी के टैंक्स, ट्रक्स और गोला बारूद वगैरह जैसे हथियार भी जो है उस मालगाड़ी में लोड किए हुए थे। तो होता क्या है, जैसे ही ओएचई वायर टूटती है तो वो एक मालगाड़ी के फ्लैट बेड वैगन के ऊपर गिर जाती है टूट के, और उस वैगन के ऊपर जो है एक आर्मी का ट्रक होता है जिसमें कुछ फर्नीचर वगैरह रखा होता है। तो ओएचई वायर के टूटकर उस ट्रक के ऊपर गिरने से जो है उस फर्नीचर वाले ट्रक में आग लग जाती है। अब यहाँ पे आप सोच के देखिए कि ये जो इंसिडेंट हुआ है या फिर मैं कहूँ तो एक एक्सीडेंट हुआ है जयपुर जंक्शन के यार्ड में, ये एक बहुत ही मामूली सा हमें देखने में लग सकता है, लेकिन इससे भी ज़्यादा एक बुरी कंडीशन यहाँ पे हो सकती थी, बुरा सीनेरियो यहाँ पे क्रिएट हो सकता था, बिकॉज आर्मी मिलिट्री ट्रेन है तो उसमें गोला बारूद वगैरह भी होते हैं। तो सोच के देखिए अगर वो ओएचई वायर उस गोला बारूद वाले वैगन के ऊपर जाके टूट के गिरता तो क्या होता। इसके अलावा जो फ्लैट बेड वैगन होते हैं मिलिट्री स्पेशल ट्रेन के, उसमें कई बार जो है मिलिट्री वाले यानी कि आर्मी के जवान ऐसे ही कई बार बैठे रहते हैं कुर्सी वगैरह लगा के, तो ऐसा भी हो सकता था कि ओएचई वायर उस ट्रक के ऊपर ना गिर करके उस फ्लैट बेड वैगन के ऊपर भी गिर सकता था जिसमें आर्मी सोल्जर्स आराम से कुर्सी लगा के धूप सेक रहे हो, सर्दियों की धूप का आनंद ले रहे हो। तो ऐसे में ये एक मामूली सा दिखने वाला इंसिडेंट भी एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट साबित हो सकता था, और वैसे भी जब कोई चीज आर्मी से जुड़ जाती है तो वो एक अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। बाकी इस इंसिडेंट में अच्छी बात ये रही कि जो ओएचई वायर टूट के गिरा था वो एक नॉर्मल फर्नीचर से लोडेड ट्रक के ऊपर जाके गिरा था और उसमें कोई सेना का जवान ट्रक के अंदर या फिर ट्रक के आसपास मौजूद नहीं था। बाकी अगर किसी गोला बारूद से भरे ट्रक के ऊपर या फिर किसी वेपन के ऊपर जाके अगर ओएचई वायर टूट के गिरता तो एक बड़ा हादसा यहाँ पे हो सकता था। वैसे ओएचई वायर के ब्रेकडाउन के बाद जो जयपुर जंक्शन में ट्रेनों का ट्रैफिक है वो पूरी तरीके से ठप पड़ गया था, काफी सारी ट्रेनें लेट हुई थी जो कि गांधीनगर साइड से और सवाईमाधोपुर की साइड से आ रही थी, उन ट्रेनों को जो है जयपुर जंक्शन से पहले के स्टेशनों पर 2 से 3 घंटे के लिए खड़ा रहना पड़ा, जिस कारण से ट्रेनें भी लेट हुई और पब्लिक को भी जो है परेशानी हुई, पैसेंजर्स को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। बाकी तो चलिए मैं बोलना चाहूंगा कि इतना था मेरी तरफ से आज की इस वीडियो में, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो जानकारी पसंद आई तो इस वीडियो को जोर से लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं और इसी टाइप के इंटरेस्टिंग रेल वीडियोस आगे भी देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। इसके बाद मैं आपसे मिलता हूं बहुत ही जल्द किसी एक और नेक्स्ट वीडियो में और किसी नई इंटरेस्टिंग अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।